अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज जो है एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने जो है इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, यानी आपके पास जो इक्वेशन दी होगी वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं होगी, उसको हमने कन्वर्ट करके जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना होगा। तो इसलिए इसमें हम जो है डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, AX की पावर है। फर्स्ट टाइप हमारे पास क्या है, टाइप नंबर वन जो है हमारे पास AX की 4 प्लस BX स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 0। इस गिवन जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, हमने इसको रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि AX स्क्वायर जो है उसको हम लिख सकते हैं X स्क्वायर की पावर स्क्वायर प्लस BX स्क्वायर प्लस C इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वेयर है उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो दोबारा एक्स की पावर 4 आ जाएगी। तो इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। तो हमारे पास ए एक्स वाई स्क्वेयर प्लस बी, एक्स स्क्वेयर की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं, वाई पुट कर रहे हैं। तो हमारे पास बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास गिवन इक्वेशन आई है रिड्यूस करने के बाद, वो कौन सी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब भी आपके पास टाइप वन की तरह की इक्वेशन आएगी तो आपने उसको सॉल्व करना है और उसको रिड्यूस करके आपने किस फॉर्म में लाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, 2x की पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनाना है। ये हमारे पास टाइप वन की शेप में दिया हुआ है तो इसको हमने कन्वर्ट करके किस में लाना है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाना है। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका, 2x जब भी आप टाइप वन में जो है सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि एक्स की पावर को हमने स्क्वायर में लाना है, एक्स स्क्वायर की पावर स्क्वायर माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं, लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, 2 एक्स स्क्वायर की जगह पुट कर लेते हैं हम क्या, वाई, क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन जो आई है हमारे पास वो कौन सी फॉर्म में आ गई है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है। इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 2y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 5y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से हम जो है कॉमन क्या ले सकते हैं, 2y, पीछे हमारे पास क्या बचेगा, y माइनस 1, यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5, y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास कॉमन क्या है, y माइनस 1, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, y इज इक्वल टू 1, दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 अवर 2y। जो हमने एक्स के इज इक्वल टू वाई लेट किया था इसमें हमने जो है y की वैल्यू पुट कर देनी है, y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाई की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 1 पुट कर देते हैं। तो यहां से एक्स क्या आ जाएगा, एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड 1, तो हमारे पास एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसी तरह आप वाई की वैल्यू क्या पुट कर देते हैं इसमें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई में 5 ओवर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ओवर 2। तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 5 बाय 2।
एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास टाइप 1 की शेप में नहीं है, इसको पहले हमने क्या करना है, टाइप 1 की शेप में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे। तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक्स स्क्वायर से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 8x2। पहले आपने इसको क्या बनाना है, जीरो के इक्वल बनाना है, एक्स 4 माइनस 8x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये अब जो इक्वेशन हमारी है ये कन्वर्ट हो गई है किस शेप में, टाइप 1 की शेप में कन्वर्ट हो गई है। इसको हमने अब क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक बनाना है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है, जो x की पावर 4 होती है उसको हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर माइनस 8x2 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करते हैं हम कि एक्स स्क्वेयर को लेट कर लेते हैं, लेट एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई, तो वाई स्क्वेयर माइनस 8y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गई है, तो इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म को सॉल्व करना है। तो वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2। यहां से 6 कॉमन ले सकते हैं, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहां क्या कॉमन है, y माइनस 2, तो पीछे क्या बचा, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहां से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। जो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती है जब, तो हम क्या कहते हैं उनको, जो इक्वेशन हमने लेट की होती है x स्क्वेयर इज इक्वल टू y, इसमें y की वैल्यू पुट कर देते हैं। x स्क्वेयर इज इक्वल टू पहले 2 पुट करते हैं y की जगह, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू अंडर रूट 2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब y की वैल्यू क्या पुट करते हैं, 6 पुट कर देते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू अंडर रूट 6, x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6। तो जरा हम टाइप 1 के बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं।